अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 और मैं हूँ सिद्रा मीर। नाजरीन, आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, वजीर आजम के 2 मुआविन खसूसी ने इस्तीफा दे दिया। मुआविन खसूसी बराए सेहत और डिजिटल पाकिस्तान जफर मिर्जा और तानिया एदरोस मुस्ताफी हो गए। दोनों ने ट्वीट के जरिए अपने इस्तीफों के बारे में बताया। नाजरीन, ख्याल रहे कि 18 जुलाई को काबीना डिवीजन ने वजीर आजम के 20 मुशीरों और मुआविन खसूसी के असासों और दोहरी शहरियत की तफसीलात जारी की थी, जिसके मुताबिक 19 गैर मुंतखब काबीना के अराकीन में से वजीर आजम के 4 मुआविन खसूसी दोहरी शहरियत के हामिल हैं। और आज ही के रोज कौमी असेंबली का हंगामा खेज इजलास भी हुआ, काफी गर्मा गर्मी हुई, ऑपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। एहतजाज और शोर शराबे के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल और सलामती काउंसिल एक्ट तरमीमी बिल 2020 मंजूर कर दिए गए। हुकूमती और ऑपोजिशन रहनुमाओं ने दिल खोल कर एक दूसरे पर तनकीद की। हमेशा की तरह जातियात और सियासी मफाद हर हद तक गए, लेकिन अवामी मसाइल का जिक्र तक ना करेंगे। और करेंगे भी क्यों, क्योंकि सभी के सब सियासी लोग हैं, सियासत करने के लिए आए हैं। इसीलिए आजकल हमारे मुल्क में कुछ और हो ना हो, लेकिन सियासत जमकर हो रही है। शायद इसीलिए वो अपोजिशन के जिसकी रफ्तार हुकूमती कारकर्दगी से भी सुस्त रही है, अपोजिशन करने के मूड में आ गई है। लेकिन इस अपोजिशन को लीड करने के मूड में फिल वक्त कोई नहीं लग रहा। इसके अलावा आज हम बात करेंगे एक ऐसे वजीर की जो कि तालीम के वजीर हैं, लेकिन उनको खुद शायद तालीम की जरूरत है। बताएंगे आपको वो सब जो हमें शायद नहीं बताना चाहिए था। वीडियो एडिट की ना बनाई, व्हाट्सएप ग्रुप में आई, मैंने आगे बढ़ाई, सईद गनी की ढिटाई, गलती मान ली मगर माफी ना मांगी, पीपल्स पार्टी आखिर चाहती क्या है, क्यों मीडिया से इस कदर नाराज है, प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ महाज खड़ा करने के लिए एपीसी तो सजाने जा रही है, मगर रहनुमाई कौन करे, बड़ी जमातें कंफ्यूज हैं, ऐसा क्यों है आज डिस्कस करेंगे। और वजीर आजम के मुआविन खसूसी तानिया एदरोस और डॉक्टर जफर मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया, प्रोग्राम में पसे पर्दा अवामिल जानने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, आगाज में जरा बात कर लेते हैं समा टीवी के हवाले से। सोशल मीडिया पर गलत वीडियो शेयर की, वजीर तालीम सिंध ने गलती तो मान ली लेकिन माफी मांगने की तौफीक ना हुई, संगीन लापरवाही का एतराफ करते हुए मासूम बन गए, बोले मैंने कोई वीडियो एडिट नहीं की, व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो आई और मैंने शेयर कर दी। पहले तो ये जो वीडियो की आपने बात कही, ना मैंने एडिट की ना मैंने बनाई, व्हाट्सएप ग्रुप पे ये वीडियो आई और मैंने वो आगे शेयर कर दी, ठीक है जी। अब वो सही थी गलत थी, हो सकता है गलत हो, मैं नहीं कहता हूं कि सही होगी, मुमकिन है गलत हो, लेकिन मैंने व्हाट्सएप ग्रुप से वो शेयर कर दी। उसके बाद आप लोगों ने जो किया हमारे साथ वो अभी भी कर रहे हैं, चल रहा है सिलसिला, आपकी मर्जी, आपका चैनल है, जो मर्जी करें आप। और ना सिर्फ ये, सईद गनी न्यूज कॉन्फ्रेंस में इतने बुखलाहट का शिकार थे कि बारिश में कश्मीर कराची की तबाही का जिम्मेदार भी पीटीआई को करार दे दिया। पहले कहा पीटीआई ने कराची को एक ढेला ना दिया, अगले ही लम्हे यू टर्न ले लिया, बोले पीटीआई ने एमएनएस को कराची के लिए करोड़ों रुपए दिए, मंसूबे बगैर मंजूरी शुरू किए, इसलिए कराची के नाले भर गए हैं। लेकिन वफाकी हुकूमत ने क्या किया इन 2 वर्षों के अंदर, एक ढीले का काम उन्होंने नहीं किया। जब ये खुद कुछ नहीं करते तो लोगों के लिए मसाइल पैदा करते, तो मसाइल पैदा होते हैं तो फिर ये शोर उठाते हैं। लेकिन वफाकी हुकूमत ने अपने एमएनएस को जो करोड़ों रुपए दिए थे कराची में डेवलपमेंट के लिए, उन पैसों को फौरी तौर पर खर्च करने के लिए इनके लोगों ने बगैर रोड कटिंग की परमिशन के, बगैर वाटर बोर्ड के एनओसीज के, बगैर किसी फॉर्मेलिटी को पूरे किए हुए नई नई सड़कें काटी, नई नई गलियां काटी और वहां पर गैर कानूनी पानी और सीवरेज की लाइनें डाली, जो इस बारिश में लोगों के परेशानी का सबब बनी है। तो नाजरीन, कड़वा कड़वा थू थू के मिसदाक सईद गनी साहब ये कहते हैं कि बहुत आसान है अल्फाज के निश्तर बरसाना, लेकिन बहुत मुश्किल है कारकर्दगी दिखाना। वजीर साहब चाहते हैं कि सब कुछ ऐसे ही चलने दो, कराची को जलने दो, ना कोई फुटेज दिखाओ, ना आवाम की फरियाद सुनाओ, बस सब अच्छा है का गुनगाओ, वरना पीटीआई एजेंट का इल्जाम लगा देंगे। सिंध सरकार समा से नाराज है, बहुत नाराज है, इतनी नाराज है कि आज कराची में बारिश की सूरत हाल पर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधा वक्त
समा पर ही गुस्सा उतारते रहे। सईद गनी कहते हैं कि भाई क्या तकलीफ है आपको, हर वक्त कराची कराची कराची, भाई बस ऐसे ही चलने दो, कराची को तो जलने दो। लेकिन नाजरीन ये बरसों का किस्सा है, कोई आज की बात नहीं है। आप आपके बॉसेस को कह दें ना मेरे साथ ज्यादती बंद करे, फिर आपका माइकी होगा। आप आपके बॉसेस को कह दें ना मेरे साथ ज्यादती बंद करे, फिर आपका माइकी होगा। समा को सिर्फ सिंध नजर आता है, पंजाब में इस्लामाबाद में बिल्कुल सिचुएशन ठीक है। आपको टास्क दिया जाता है आपके कैमरामैन रिपोर्टर्स को के जाके ये बना के लाओ इस तरह की चीजें, अच्छी चीज मत दिखाओ बुरी चीज दिखाओ, अच्छी चीज मत दिखाओ बुरी चीज दिखाओ। समा को सिर्फ सिंध नजर आता है, मेरे साथ ज्यादती बंद करे, फिर आपका माइकी होगा, फिर आपका माइकी होगा। बात तो ठीक है, हमें नहीं दिखाना चाहिए कि कराची की कोई सड़क दुरुस्त हाल में नहीं, बारिश में शहर की तबाही के मनाजिर नाजिर भी हमें नहीं दिखाने चाहिए थे, हमें नहीं बताना चाहिए जब सिंध सरकार 40% आबादी वाले कराची को पूरे सूबे के रेन इमरजेंसी फंड का सिर्फ 12% दे। हमें बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए कि सिंध के सरकारी स्कूल्स में किस तरह कुत्तों गधों और दूसरे जानवरों का राज है। सिंध के 12,000 सरकारी स्कूल में असातजा नहीं और 11,000 स्कूल्स में शागिर्द ही नहीं है, फिर भी हमें नहीं दिखाना चाहिए था। हमें बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए जब सिविल अस्पताल के बाहर एक गरीब की 10 महीने की बच्ची बिलावल के प्रोटोकॉल की वजह से जान से चली जाए। शिकारपुर में अस्पताल से एम्बुलेंस ना मिलने पर लवाहिकीन का मैयत गधा गाड़ी पर ले जाना हमें नहीं दिखाना चाहिए था। सिंध में गुजश्ता साल 1,86,000 अफराद आवारा कुत्तों का शिकार हुए, लेकिन हमें नहीं दिखाना चाहिए था। हमें नहीं दिखाना चाहिए कि कैसे अरबों रुपए की गंदम सिंध के गोदामों से चूहे हड़प कर जाते हैं और जब नैब नोटिस ले तो वही चूहे वो अरबों रुपए लौटा जाते हैं। ये अलग बात है नाजरीन के 12 सालों में सिंध हुकूमत कराची में 12 बसें भी नहीं चला सकी, मगर हमें तो फिर भी टूटी बसों की छतों पर बैठे अवाम को नहीं दिखाना चाहिए। कराची वाले तो ये जानते हैं कि जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है, लेकिन हमें उन्हें ये नहीं बताना चाहिए कि 13 सालों से इकतदार में मौजूद सिंध सरकार ने अब तक शहरियों के लिए 1 लीटर पानी का भी कोई मंसूबा मुकम्मल नहीं किया। हमें तो ये भी नहीं बताना चाहिए कि सिंध सरकार गवर्नेंस में दुनिया भर में नंबर वन है। बरतानिया और अमरीका जैसे ममालिक की हुकूमतें मसाइल के हल के लिए सिंध सरकार की स्ट्रेटेजी पर अमल करती हैं। नाजरीन हमें ये बताना चाहिए कि सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दुनिया का नंबर वन निजाम है। हमें ये बताना चाहिए कि सिंध में आप कहीं भी किसी भी नलके से पीने का पानी बिला झिझक पी सकते हैं। सिंध के सरकारी स्कूलों और अस्पतालों के मेयार ने सारे प्राइवेट स्कूल और अस्पतालों का धंधा बंद करवा दिया है। बिलावल साहब हमने ये सब कह तो दिया है, लेकिन अब हमारे देखने वाले नाजरीन सिंध सरकार की गुज़श्ता परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए एतबार ना करें तो हमसे गिला मत कीजिएगा, ये हमारा कसूर नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद में इस्तीफे बारिश की तरह बरस रहे हैं। जी हाँ, वजीर आजम इमरान खान ने मुआवने खसूसी तानिया अदरूस और डॉक्टर जफर मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया। तानिया अदरूस और डॉक्टर जफर मिर्जा के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर तानिया अदरूस का ये कहना था कि अवामी मफाद की खातिर ओहदे से इस्तीफा दिया, पाकिस्तान में खिदमत के जज्बे से आई थी, मेरी कैनेडियन शहरियत के हवाले से बहुत बातें की गई, पाकिस्तान को जब मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हाजिर हूं। और अपने इस्तीफे में तानिया अदरूस ने यह भी कहा कि उनकी कैनेडा की शहरियत से मुतालिक तनाजा पैदा किया गया, डिजिटल पाकिस्तान के विजन में शहरियत जैसे तनाजात रुकावट हैं, अब बगैर किसी ओहदे के डिजिटल पाकिस्तान के विजन के लिए काम जारी रखूंगी। दूसरी तरफ तानिया अदरूस के बाद वजीर आजम इमरान खान के मुआवने खसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने भी इस्तीफा दे दिया। ट्विटर पर अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान करते हुए डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि इमरान खान की खसूसी दावत पर आलमी दायरे सेहत छोड़कर पाकिस्तान आया। जफर मिर्जा ने लिखा कि ये बात बायस इत्मीनान है कि मैं उस वक्त काम छोड़कर जा रहा हूँ जब कोरोना कम हो रहा है और ईमानदारी और मेहनत से पाकिस्तान की खिदमत की है। 1.5 साल के अरसे में कोई झूठे इल्जाम का सामना रहा और इंतहाई मेहनत और ईमानदारी से फराइज अंजाम देने की उन्होंने कोशिश की। अब सवाल यहाँ पर नाजरीन ये है कि अगला इस्तीफा किसका होगा। कल समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान ने तब्दीलियों का इंदिया भी दिया था, वो आपको दिखाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अभी भी हमें तब्दीली की ज़रूरत है, हमें टीम में बेहतरी की ज़रूरत है और मेरे ख्याल में हमारे लीडर जो हैं वो इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और तब्दीलियां आएंगी। मैं आपको ये बात ज़रूर बताता हूं कि ये नहीं होगा कि तब्दीली नहीं आएगी, तब्दीली आएगी, जहां भी कमी होगी तब्दीली ज़रूर आएगी।
سما کے نمائندے خصوصی نعیم مشرف بٹ ہمارے ساتھ ہیں. نعیم, آپ پہلے بھی اس بارے میں خبر دے چکے ہیں اور پنجاب سے اٹھاپ سے اٹھنے والی تبدیلیوں کے بارے میں ہم بھی بات کرتے ہیں, لیکن اس کو ہمیشہ ڈینائی کیا گیا. اب کیا خبر ہے, اگلا استعفیٰ کس کا آ سکتا ہے؟ جی, پنجاب کے تو اگر بات کی جائے تو وزراء جو ہیں ان کو رد و بدل ہوتی رہتی ہے. سیکٹریز کی تو اگر بات کریں, وہ تو بہت زیادہ چیف سیکٹری بدلے, پھر عام جو دوسرے ڈپارٹمنٹ کے سیکٹریز ہیں ان کی کئی دفعہ ری شفلنگ ہوئی. اب وزراء کی ہی بات کی جا سکتی ہے, کیونکہ جو بڑے صاحب ہیں پنجاب کے ان کے بارے میں تو ہر دفعہ بات چلتی ہے لیکن وہ بچ جاتے ہیں. اور اس کے فیکٹرز بھی ہیں, ان میں کبھی ان کو طاہر بشیر چیمہ آتے ہیں مسلم لیگ نون کے ایم پی ایس لے کر, وہ بچاتے ہیں. کبھی چودھری جو ہیں وہ آ جاتے ہیں کیونکہ ان کو وہ سوٹ کرتے ہیں. اور کبھی اس بات پر پرائم منسٹر خود کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تبدیلی کریں گے تو نیا تو ایک مہینہ نہیں ٹکے گا, زیادہ مسائل آئیں گے. یہ سب سے بڑی وجہ, یعنی یہ وجوہات ہیں, وہ ان کو وہ تو سمجھے وہ بچ جاتے ہیں. ان کے نیچے تبدیلیاں ہیں جو آنی ہیں, آتی رہی ہیں پہلے بھی, لیکن بات وہی ہے کہ تبدیلیاں تو پہلے بھی آ رہی تھیں لیکن بہتری جو ہے وہ اتنی کوئی نظر نہیں آ رہی, جس کی وجہ سے ہر تین چار مہینے بعد افواہیں گردش میں ہوتی ہیں اور وزیر اعلیٰ کے ارد گرد وہ ساری افواہیں آتی ہیں اور وہی مشکل میں آتے ہیں کیونکہ پرفارم نہیں کیا جا رہا, ڈلیور نہیں کیا جا رہا. اور یہی بات, اس سے زیادہ سخت بات جو ہے علیم خان سے زیادہ سخت بات فواد چودھری کر چکے ہیں کئی دفعہ. وہ تو اس حد تک انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر پریشر ہی وفاق میں اسی وجہ سے آتا ہے کہ صوبے جو ہیں وہ ڈلیور نہیں کر رہے. بالکل, انہوں نے انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا کہ وزراء کے پاس 6 مہینے ہیں اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے. سینئر اینکر سیر بھی میرے ساتھ موجود ہیں. علی, جس طرح سے پہلے ایک استعفیٰ آیا اس کے بعد دوسرا استعفیٰ آ گیا, ساتھ ہی یہ خبریں بھی زیر گردش رہی کہ تیسرا استعفیٰ بھی آنے والا ہے, کس کا تیسرا استعفیٰ ہو سکتا ہے؟ علی, کیا آپ سن پا رہے ہیں؟ علی, رابطہ کرنے کی دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں. نعیم اشرف ہمارے ساتھ ہی پہلے سے موجود ہیں. نعیم, جس طرح سے تبدیلی کی جانب اشارہ دیا جا رہا ہے, دوسری جانب اپوزیشن بھی خاصی متحرک ہے. ان تبدیلیوں سے اپوزیشن کو موقع مل سکتا ہے, کیا اپوزیشن اس موڈ میں نظر آتی ہے اب ایکٹیو ہونے کے بعد دوبارہ سے, کہ ان تبدیلیوں سے وہ یا تو حکومت کو تنقید کا نشانہ بنائے یا اپنی اپوزیشن کے لیے کچھ بہتر فائدہ اٹھا سکے؟ جی, ایک یہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن اپوزیشن ابھی تک کوئی فائدہ یا کوئی ایسی بات ہو نہیں سکی, کیونکہ اپوزیشن آپس میں ان کی سنسیئرٹی جو ہے وہ تو بالکل ہی کبھی نظر نہیں آئے. ایون رات کو بھی جو شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری اکٹھے بات کر رہے تھے تو اس کا اینڈ جو ہوا وہ صاف نظر آ رہا تھا کہ خلوص نہیں ہے. وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تم لیڈ کرو, وہ کہہ رہے ہیں تم لیڈ کرو, تو وہ اپوزیشن کا تو ہے. ہاں, تبدیلی کے اگر آپ پنجاب کے علاوہ اوپر وفاق کی بات کریں تو وفاق کی یہ جو دو استعفے آئے ہیں, وفاق میں یہ ہو سکتا ہے کہ مزید تبدیلی آئے. یہ اب علیم ہاں جو بات ہے وہ اوور آل بات کر رہے ہیں, اوور آل سے مراد صرف پنجاب نہیں ہے, یہ وفاق میں بھی تبدیلیاں آنی ہیں اور ادھر ہی آج دو آئی ہیں اور شاید یہ ان کے علم میں ہو کیونکہ کل پرائم منسٹر سے عبدالعلیم خان ملے بھی تھے. اور سب سے فریکوینٹ اگر وزیر اعلیٰ کے بعد پنجاب میں کوئی ملتا ہے زیادہ خان صاحب کو, پرائم منسٹر کو, وہ علیم خان ہیں. اور کئی ملاقاتیں تو رپورٹ بھی نہیں ہوتی, یعنی اس کی کوئی تصویر یا ویڈیو جاری نہیں ہوتی, وہ علیم خان اکثر ملتے ہیں. وفاق میں ہو سکتا ہے کہ مزید تبدیلیاں آئیں, مزید ایکشن ہو, جیسے کہ آپ تبدیلی آ سکتی ہے, آپ کا یہ بتانا ہے. نعیم, آپ نے تفصیل دی, آپ کا شکریہ. ان آل پارٹیز کانفرنس کی کون کرے گا رہنمائی, اپوزیشن کنفیوژن کا شکار ہو گئی ہے. شہباز شریف اور بلاول ایک دوسرے کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے کی کوشش میں نظر آئے. شہباز شریف سے ملاقات کے بعد بلاول نے اپوزیشن لیڈر کو ہٹا کٹا قرار دے دیا, کہا شہباز شریف صاحب قیادت کریں گے. بلاول کی بات سن کر شہباز شریف کی گویا سانس حلق میں اٹک گئی اور بولے, بھاری ذمہ داری ہے, جوان کندھوں پر ہونی چاہیے. شہباز شریف صاحب میرے ساتھ رابطہ میں تھا, آن دا فون رابطہ میں تھا, مولانا صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے اور ہم اپوزیشن کا کام تب بھی چلا رہے تھے. اب شہباز شریف صاحب آپ کے سامنے ہیں, صحتیاب ہو گیا ہے, ہمارا انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے. اور آپ دیکھ, مگر میں نے کہا کہ جو جوان کندھے ہیں ذمہ داری میں ان کو دوں گا. صحتیاب ہو گیا ہے,
हमारा इंकलाब को लीड करने के लिए तैयार है और आप देख। मगर मैंने कहा कि जो जवान कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। तो अपोजिशन जमातें एक बार फिर सांझे की हंडिया में हुकूमत मुखालिफ तहरीक की खिचड़ी पकाने की तैयारी कर रही हैं, मगर ऐसी कोशिशें पहले भी हो चुकी हैं। गुज़श्ता 2 साल से तो अपोजिशन की दाल गली नहीं। 2018 के इलेक्शन के फौरी बाद फजलुर रहमान ने अपोजिशन जमातों को हलफ ना उठाने और असेंबलियों में ना जाने पर कायल करना चाहा, मगर शहबाज शरीफ ने मुंह फेर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में छोटे मियाँ साहब की बेजारी और बरहमी साफ दिखाई दी थी। और सिर्फ यही नहीं, वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब में भी अपोजिशन की झोली में नाकामी के सिवा कुछ ना आया। पीपल्स पार्टी ने पहले शहबाज शरीफ को हिमायत का यकीन दिलाया, फिर पतली गली पकड़ ली। नून लीग के रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद के तीर बरसा दिए थे। साद रफीक ने इसे जरदारी की मजबूरी समझा तो राणा सना को पीपी की बदनीयती नजर आई। कुछ ऐसा ही सदारती इंतखाबात में भी हुआ। सदारती इंतखाब में भी नून लीग और पीपल्स पार्टी में तालमेल नजर नहीं आया। एहसन इकबाल ने पीपल्स पार्टी पर संगीन इल्जाम लगाए। ख्वाजा आसिफ ने तस्लीम किया कि दोनों जमातों में बाहमी एतमाद पर दरारें पड़ चुकी हैं। और फिर 2019 में फजलुर रहमान ने आज़ादी मार्च के लिए निकले, तब भी बुलंदोबाम दावे किए थे, मगर नून लीग और पीपल्स पार्टी की अदम दिलचस्पी के बायस एहतजाज के गुब्बारे से शुरू से ही हवा निकल गई थी। फजलुर रहमान अपने दिल और कारकुनों को तसल्लियां देते रहे, जबकि बिलावल ने धरना सियासत से साफ इनकार कर दिया था। और नाजरीन, इसके बाद में फजलुर रहमान ने नाकामी का मलबा नून लीग और पीपल्स पार्टी पर डाल दिया और तस्लीम किया कि मुंतशिर अपोजिशन जमातों ने अपनी ही कश्ती खुद डबो दी। पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जिस तरह की वो बड़ी जमातें हैं, अपने उस हुजुम के साथ हमारा साथ देती तो यकीनन अब सूरत हाल मुख्तलिफ होती। वो जो तवक्को थी उनसे वो नहीं कर सके हैं। अपोजिशन निस्बतन मुंतशिर, नाजायज हुक्मरानों का सफीना डबोने के लिए निकले थे, लेकिन इन्होंने अपना सफीना डबो दिया। आवाम को बीच मंजार पे छोड़ देना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है ऐसी सूरत हाल। बात करने के लिए हाफिज हुसैन अहमद रहनुमा JUI मेरे साथ मौजूद हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून से राणा सनाउल्लाह भी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। हाफिज साहब, जो काम अपोजिशन जमातें चाहे मिलकर चाहे एक दूसरे से दूर रहकर 2 साल में ना कर पाई, अब ये कैसे मुमकिन होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहां तक अपोजिशन का ताल्लुक है तो यकीनन अपोजिशन मुख्तलिफ जमातों पे मुश्तमिल होती रही है माजी में भी। उसमें छोटी पार्लिमानी जमातें हैं, बड़ी जमातें हैं, और पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जितनी भी जमातें हैं वो अगरचे एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़कर आती हैं, लेकिन असम्बली में पहुंचने के बाद वो अपोजिशन के सफ़ों में इकट्ठ और इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश की जाती है। और जमीयत उलमा इस्लाम ने 18 के इंतखाबात के बाद ही अपना मौक़िफ़ अपोजिशन रहनुमाओं के सामने रखा। हम तो हलफ़बरदारी और इस असम्बली में जाने की मुखालिफ थे, लेकिन जनाब जरदारी साहब और साथ ही जनाब शहबाज शरीफ साहब और दीगर रुफका ने हमें मजबूर किया कि हम इस जमहूरी जो प्रोसेस जिस हद तक भी है इसका साथ दें, और फिर असम्बली में जाकर हम कोई इस किस्म की कमीशन को बनाएंगे और उस दांदली के खिलाफ जो है हम कोई इकदाम करेंगे। हमने उनकी बात मानी सिर्फ इसलिए ताकि आज जो सूरत हाल जिसकी बात आप कर रही हैं कि अपोजिशन के अंदर जो है कोई रखना ना पड़े, और उसके साथ साथ हमने अपना होमवर्क भी शुरू किया, 15 मिलियन मार्च किए। और फिर आपने देखा कि जिस तरह अभी साद रफीक साहब का आपने फुटेज दिखाया था, उसमें वाजे तौर पर उन्होंने कहा कि सदारती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के हम आहंगी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद जब हालात बिगड़े और उसके बाद खुद जनाब जरदारी साहब मौलाना साहब के पास आए, लेकिन उस वक्त सूरत हाल ये थी कि जनाब शहबाज शरीफ ऐसा ही हुआ। शरीफ साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि जब दिलजोई से आप लोग ऑपोजिशन कर रहे थे, धरने कर रहे थे, और इसके साथ साथ जब आपने नून लीग और पीपल्स पार्टी से सपोर्ट मांगी तो उतनी दिलजोई से उनका किरदार अदा नहीं नजर आया। इस बार आप एतबार करते हैं मुस्लिम लीग नून पर या पीपल्स पार्टी पर कि जितना किरदार ऑपोजिशन के लिए आपका होगा
उतनी ही फ्रंट फुट पर ये दो जमातें भी होंगी? देखिए, मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए अर्ज करूंगा कि ये बात नहीं कि हमने आगाज किया और उनसे मदद मांगी, बल्कि सूरत हाल ये थी कि वो खुद तशरीफ लाए। जब हालात ने दोबारा उनका साथ नहीं दिया तो फिर जनाब जरदारी साहब मौलाना के पास आए। उसके बाद फिर आपने देखा जब नवाज शरीफ साहब सेहत के हवाले से जब उनकी रिहाई हुई तो उस वक़्त उन्होंने भी मौलाना से मुलाकात की और अपने दामाद को भी भेजा। ये तमाम तर चीज़ें जो है वो मुत्तफिका तौर पर तय हुई। रहबर कमेटी बनाई गई जिसका कल परसों जिक्र हुआ था और उसके बाद ये बात तय हुई थी। जनाब शाहबाज शरीफ भी आन दी रिकॉर्ड है कि हम नवंबर में निकलेंगे, इसलिए हमने अक्टूबर की 31 अक्टूबर को रखा था। ये बात नहीं है कि हम निकले थे और उनसे ताउन की दरख्वास्त की थी, बल्कि उन्होंने हमें आगे करके ताउन के हवाले से यकीन दहानी कराई थी और उनके ताउन के बाद ही हम मैदान अमल में निकले थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि माजी के हवाले से रिकॉर्ड की दुरुस्ती के बावजूद हमने फिर भी कोशिश की है। और आज भी आप देखेंगे कि कराची मौलाना फजल रहमान साहब गए और उन्होंने पीपल्स पार्टी की क्यादत से, जरदारी साहब से, बिलावल से बात की। उसके बाद वो लाहौर तशरीफ ले गए, राह हमवार की और उसके बाद बिलावल साहब, हालांकि बिलावल साहब जो है दो चंद हफ्ते पहले जो है वो एक हफ्ता वहां पर बैठे रहे लाहौर, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। आज भी हमारा मतम निगाह यही है कि इन तमाम चीजों को हम बुलाकर दोबारा चाहते हैं कि अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पे रहे। अब सूरत आप भी चाहते हैं कि अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पर रहे। हाफिज साहब, राणा सनाउल्ला साहब ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है। राणा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करने से पहले मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की थोड़ी सी गुफ्तगू आपको सुनवा दूं। वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के बारे में क्या कहते रहे हैं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जिस तरह की वो बड़ी जमातें हैं, अपने उस हुजुम के साथ हमारा साथ देती तो यकीनन अब सूरत हाल मुख्तलिफ होती। वो जो तवक्को थी उनसे वो नहीं कर सके हैं। अपोजिशन निस्बतन मुंतशर, नाजायज हुक्मरानों का सफीना डबोने के लिए निकले थे लेकिन इन्होंने अपना सफीना डबो दिया। आवाम को बीच मंजार पे छोड़ देना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है ऐसी सूरत हाल। राणा सनाउल्ला साहब, पहला सवाल तो ये कि जो दो साल में आप लोग नहीं कर पाए बतौर ऑपोजिशन, अब ऐसा क्या करेंगे कि वो आप गेन कर लेंगे? दूसरी बात ये, मौलाना साहब फरमा रहे थे कि जो तवक्को थी वो नहीं हो पाया, अब ऑपोजिशन एक दूसरे की तवक्को पे पूरा उतरेगी क्या? बिल्कुल पूरा उतरेगी। जो बात मौलाना साहब ने फरमाई है वो भी दुरुस्त है। मौलाना फजलुर रहमान जब ये इलेक्शन हुए थे 2018 के, तो उस इलेक्शन के फौरन बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब का JUIF का ये मौक़िफ़ था कि इस पार्लियामेंट का हिस्सा ना बना जाए और इस इलेक्शन यानी सिलेक्शन नवा इलेक्शन जो है इनके ऊपर पूरा एहतजाज किया जाए और इस पार्लियामेंट का बाइकआउट किया जाए जो इन इलेक्शन के नतीजे में वाज़ वजूद में आई है। उस वक्त दोनों बड़ी जमातों PMLN और पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ था कि शायद इस इकदाम से जो है वो मुल्क में जमहूरियत को जो है वो नुकसान पहुँचे। तो मौलाना साहब से ये रिक्वेस्ट की गई कि पार्लियामेंट का हिस्सा बना जाए और पार्लियामेंट के अंदर से जो है वो इस जदोजहद का आगाज़ किया जाए, जो फिर बाहर जो है वो सड़क पर भी होगी और पार्लियामेंट के अंदर भी होगी। तो उस वक्त मौलाना ने फिर इन दोनों बड़ी जमातों की बात को तस्लीम किया और वो भी फिर JUIF भी जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनी। अब उसके बाद दोनों जमातों का, इसमें पीपल्स पार्टी और PMLN का ये मौक़िफ था कि धरने में ना जाया जाए और जो है थोड़ा टाइम भी जो है वो इस हुकूमत को दिया जाए ताकि ये जवाब बन सके। लेकिन राणा साहब, अभी भी तो यही मौका है। कल शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब ने ये कहा कि हम एहतजाज के लिए निकल आए तो आधे रास्ते में ही होंगे और हुकूमत गिर जाएगी। मौकफ तो अभी भी वही है। नहीं देखे, इसमें ये है कि अब 2 साल पूरे हो गए और अगर ये कोरोना जो है ये अभी और कोई 1-2 माह जारी रहता है तो यकीनन अपोजिशन की जो तहरीक है वो जलसे हों, वो रैलीज हों, वो जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च हो, तो यकीनन वो कोरोना की सूरत हाल में तो नहीं हो सकेगा क्योंकि लोगों की
जो है वो सेहत अवलीन तरजीह होनी चाहिए और है, तो अब इनको यानी ये दिसंबर में पूरा इनका हाफ जो है वो अरसा गुजर चुका होगा, दो साल अब गुजर चुके हैं। अब ये नहीं कह सकते किसी को कि जी हमें तो अभी 6 माह हुए हैं, हमें तो अभी 1 साल हुए हैं, हमने तो अपना पहला बजट दिया है। तो मैं समझता हूं कि दोनों बड़ी जमातों का जो मौकफ था वो भी दुरुस्त था, और अगर वो ये नहीं कह सकते तो ऑपोजिशन भी तो यही नहीं कह सकती ना कि ऑपोजिशन ने ऑपोजिशन का हक अदा किया। अब कल देखिए, अगर ऑपोजिशन ने साथ चलने की बात की तो शहबाज शरीफ साहब बिलावल साहब को कह रहे थे और बिलावल साहब शहबाज शरीफ साहब पर नजरें रखे थे। लीडरशिप का फुकदान तो ऑपोजिशन में अभी तक है, और अगर ऑपोजिशन इतनी ही फराहदिल हो गई है कि एक दूसरे को ऑफर कर रहे हैं कि आप लीड कर रहे हैं, आप लीड कर लें, तो इतनी फराहदिल ऑपोजिशन वाकई एक दूसरे के साथ ईमानदार है या एक दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाई जाएगी? नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। ये तो ऐसे ही आप जो है वो बाल की खाल उतार रही हैं। बिलावल भुट्टो ने यकीनन मियां साहब के ऊपर इत्माद का इजहार किया, और मियां साहब ने आगे से जो उनको जवाब दिया वो यही बनता था, उन्होंने भी बिलावल भुट्टो पे जो है वो इत्माद का इजहार किया। और ये जो भी मूवमेंट होगी, ये APC की मूवमेंट जो होगी, ये तमाम जो लीडरशिप है उनकी एक मुश्तरका कमेटी जो है इसको लीड करेगी, और सब ही जो है वो उसमें जो है वो मौजूद होंगे। और कन्वीनरशिप जो है वो जिस तरह से इस किस्म के इत्तेहादों में होती है कि वो रोटेशन के साथ जो है वो तमाम जमातों के पास जाती है, तो इसमें इस बात का कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन देखें, तीनों जमातें, JUIF है, दूसरी सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, PMLN है, वो सारी अलहदा जमातें हैं, और हो सकता है कि आने वाले इलेक्शन में वो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ें। तो ये कोई इत्तेहाद या पार्टीज का आपस में मर्जर होने नहीं जा रहा, वो एक सूरत हाल जिसमें ये देखा जा रहा है कि ये हुकूमत जो है इसने ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, इसकी इंतहाई गलत पॉलिसीज हैं, इकॉनमी का जो है वो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, आम आदमी जो है वो दो वक्त की रोटी खाने से जो है वो मजबूर है, और किस तरह से इन्होंने अपनी गलत और इंतकामी पॉलिसियों से जो है, मैं राणा साहब जरा ऑपोजिशन की पॉलिसी जानूं, हाफिज साहब किया हुआ है, मुझे बताइएगा कि क्या गुफ्तगू चल रही है अभी ऑपोजिशन के माबेन आपकी पीपल्स पार्टी और नून लीग से, खासकर क्या पॉलिसी होगी, क्या एजेंडा होगा, किस किस्म की तहरीक चलाई जाएगी, असेंबली के अंदर होगा, सड़कों पर होगा, साथ लेकर चलेंगे, कैसे चलेंगे? देखिए, मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बसद एहतराम अर्ज करूंगा कि इलेक्शन के फौरन बाद जब पहली PC हुई थी, और वो भी जनाब जरदारी साहब, जनाब नवाज शरीफ साहब के इसरार पर मौलाना ने बुलाया था, उसमें एक डिक्लेरेशन पे उत्तेफाक हुआ था, और उसमें बिल्कुल वाजे तौर पर ये बात लिखी हुई थी कि ये जो 18 के इलेक्शन है ये दहादरी की पैदावार है और इसे मुस्तरद करते हैं। इसलिए वक्त देना और ये कहना कि जनाब वक्त उनको नहीं दिया गया है, ये उसकी नफी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाए। दूसरी बात यह है कि ये बात भी सही नहीं है कि जनाब नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी ने अक्सर जो है वो तहरीक या एहतजाज जो है, और जो इस वक्त आज़ादी मार्च था, उसको मुस्तरद किया था और हमने अपने सतह पर फैसला किया, ये रिकॉर्ड पर है। और मैं चैलेंज करता हूँ जनाब राणा साहब हमारे बड़े मोहतरम हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब और उनका बिल्कुल स्टेटमेंट मौजूद है और आपके पास भी फुटेज होंगे कि उन्होंने कहा कि हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि नवंबर की तारीख दी जाए। इस वजह से फिर हमने क्योंकि अपने इंतजाम कुछ कर लिए थे और फिर मौसम के हवाले से हमने 31 अक्टूबर दो बार हम बदले तारीख, इसलिए 31 अक्टूबर रखा कि अगला दिन नवंबर था। और मैं बिल्कुल बरमला इस बात को कहता हूं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम नवंबर में निकलेंगे और अच्छा। जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हम जनवरी में आएंगे। तो मैं समझता हूं कि ये बात कहना, उस वक्त न कोरोना था न कोई और मामलात होंगे, लेकिन मौजूद नहीं, अब ऑपोजिशन इकट्ठे चलेगी या अभी भी ऐसे ही मरहलावार ऑपोजिशन की जाएगी? देखिए, हमारी तो कोशिश ये है, मैंने पहले भी गुजारिश की, हमारी कोशिश ये है कि अपोजिशन इकट्ठे चले, और यही तगदो हम करते रहे हैं। हम एक छोटी सी पार्लिमानी जमात है, लेकिन मौलाना कराची गए, लाहौर गए, तो ये तमाम रास्ते हमवार किए।
अभी भी हमारी कोशिश ये है कि वो इकट्ठे चलें और फैसला करें। और मैं समझता हूँ एक सियासी वर्कर की हैसियत से कि हमारे जो रहबर कमेटी थी उसने कई नशस्तें की, लेकिन रहबर कमेटी जो है उस खुद न कोई फैसला कर सकती है। बाकी एजेंडा बिल्कुल वाजे है। अगर राणा साहब और मुस्लिम लीग नून वाले ये कहते हैं कि अब 2 साल पूरे हो गए और अय्याम रज़ात दूध पीने के दिन भी गुजर गए हैं और इस वक्त सूरत हाल तो ये है कि ये खुद अपने वजन से अजाब देखिए कि 2 अफराद इनके जो फॉरनर और हमारे गैर मुल्की जो शहरी थे जो गैर मुंतखब थे वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया। ये सिलसिला चल रहा है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त मौका है कि किसी ताखीर के बगैर और किसी भी सतह पर जो है लात लाल के बगैर मैदान में निकले। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये एक मौका है। हाफिज साहब, मैं आपसे एक सवाल ये भी करना चाहती हूँ कि एक आम तासुर ये जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान की जरदारी साहब से मुलाकात हुई, उसके साथ बाद मौलाना साहब के भाई को DC सेंट्रल कराची लगा दिया गया। ये तासुर दुरुस्त है क्या? लोग ये कह रहे हैं ये डील का हिस्सा था। देखिए बीबी, गुजारिश ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मैं बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जब हम बैठे हैं, इस वक्त तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा से ही ताल्लुक रखते हैं मौलाना के भाई और मौलाना। उन्होंने NOC जारी किया, वो हुकूमत किसकी थी? वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। उसके बाद वो NOC जो है वो वफाक में पहुंची, वफाक में हुकूमत तहरीक इंसाफ की है। फिर उसने बाकायदा तौर पर इनको डिपुटेशन पे सिंध भेजा और ये आज की बात नहीं है, ये जनवरी की बात है। और इस वक्त आप देखिए कि जुलाई का आखिर है, इस तमाम अरसे में वो मौजूद थे, तो क्या अब इनको होश आया? और दूसरी बात यह है कि वो एक सरकारी मुलाजिम है, अगर उनको NOC नहीं दिया जाता तो वहीं बैठे रहते और काफी अरसे से वो OSD बैठे हुए थे। मैं समझता हूँ कि इस तरीके से वो अपने जो हालात हैं उससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये बात की जाती है। आपका पॉइंट आ गया। क्या राणा सनाउल्लाह साहब पख्तूनख्वा के कितने सारे इवेंट्स पर हमें ऑपोजिशन एक साथ इकट्ठी नहीं नजर आई, चाहे वो सदारती इंतखाबात हो चाहे सेनेट के इलेक्शन हो? पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने हमेशा एक दूसरे की नीयतों पर भी शक किया है। इस बार क्या यकीन है आपको, क्या एतबार है आपको कि पीपल्स पार्टी आपको डिच नहीं करवाएगी? देखें, मैंने ये बात पहले भी कही है कि अपोजिशन जो है वो यकीनन इस बात पे मुत्तफिक है और इस नतीजे पे पहुंची है, और इस नतीजे पे पहुंचने के लिए जो है वो जितने भी असबाब हैं वो आपके सामने हैं। ये कोई ऐसी बात भी नहीं है कि आपके या किसी को इन चीज़ों का इल्म ना हो कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इस वक्त मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए जो है वो इंतहाई मुजर है, नुकसान। अच्छा राणा साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है, मुझे शॉर्टली इस बात का जवाब दीजिएगा। जब मैंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब से सवाल किया कि आप चाहते हैं हुकूमत गिर जाए, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते हुकूमत गिरे, हम चाहते हैं आईनी मुद्दत पूरी करे। ऐसा ही मोहम्मद जुबैर साहब ने भी कहा। अब आप मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि हुकूमत गिर जाए, या आप हुकूमत को गिराने के मूड में हैं, हुकूमत को घर भेजने के मूड में हैं? ये अपने आवाज दुरुस्त कर ले तो हम तो चाहेंगे कि ये करें अपनी आईनी मुद्दत पूरी, लेकिन ये जो जिस किस्म के ये काम कर रहे हैं इससे तो तबाही है। अब मुल्क का वजूद जो है, अवाम की जो सहूलत है उसकी अवलीन तरजीह है इनकी मुद्दत से। तो ये जो जिस किस्म की पॉलिसीज इन्होंने अपनाई हैं वो इस बात का तकाजा करती हैं कि इस हुकूमत को जो है वो घर जाना चाहिए और इनसे जो है वो जान जो है वो छुड़ानी चाहिए। अब आप राणा सनाउल्लाह साहब, वक्त देने के लिए हाफिज हुसैन अहमद साहब आप भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद बात करने के लिए एक इंतहाई अहम मामला, मशकूक लाइसेंस वाले पायलट्स की गूंज अभी थमी नहीं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी में नया स्कैंडल सामने आ गया। पायलट्स के बाद अब मशकूक इंजीनियर्स की भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने PIA में अहम टेक्निकल पोस्टों पर नॉन इंजीनियर्स की तैनाती की निशानदेही की है। काउंसिल के मुताबिक सिविल एविएशन में एडिशनल डायरेक्टर नेविगेशन, एडिशनल डायरेक्टर रेडार,
एडिशनल डायरेक्टर टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के पास भी इंजीनियरिंग की डिग्री ही नहीं है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इस हवाले से पहले भी तश्वीश जाहिर करती रही है कि सिर्फ सिविल एविएशन ही नहीं दीगर भी कई टेक्निकल शोबों में नॉन इंजीनियर लोगों को तैनात किया गया है। डिफेंस प्रोडक्शन, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, वाटर एंड पावर, पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग के महकमों में भी पॉलिसी साजी और फैसला साजी इंजीनियर्स की बजाय नॉन इंजीनियर्स के हाथों में है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक नॉन इंजीनियर अफराद की इंजीनियरिंग के पेशावराना उमूर या ओहदों पर तकर्री गैर कानूनी है। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ जावेद सलीम साहब मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। जावेद सलीम साहब, पहला सवाल मेरा आपसे ये है, इंतहाई तशवीशनाक ये बात है, पाकिस्तान के कितने सरकारी इदारे हैं इस वक्त जिनके नॉन इंजीनियर या नॉन टेक्निकल सरबराह हैं? देखें, इस वक्त जो सबसे बड़ी ट्रेजडी है वो पाकिस्तान की तरक्की जिस बात में रुकी हुई है, मैं समझता हूं, और आपने इस इशू को उठा के मैं समझता हूं कि एक नेशनल इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है, और ये एक बहुत बड़ा एहसान है इस पूरी कौम के ऊपर जो समा की ये जो आज की नशरियात जा रही हैं, और ये जो सुन रहे हैं मेरी इस आवाज को, वो इस बात को गौर से सुने कि इस मुल्क की जो सबसे बड़ी तबाही है वो इस बात में है कि नॉन कॉम्पिटेंट लोगों को आपने प्रोफेशनल सीटों पे बिठाया। खुदा के लिए इस मुल्क के ऊपर रहम करें, और ये रहम इतना कर दें सिर्फ कि जो जिसका काम है, जिसका काम उसी को साजे, उसको दे दें। आज पाकिस्तान जो सबसे बड़ी ट्रेजडी है जो आपकी पावर सेक्टर की भी है, पावर सेक्टर के अंदर 1.7 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट आप लेके चले हुए हैं, और इसकी सारी तबाही और बर्बादी जो है वो जो नॉन इंजीनियर सेक्रेटरी आप बैठा देते हैं, नॉन प्रोफेशनल, नॉन कॉम्पिटेंट बंदा, उसने तबाही की होती है। देखे, ये वापडा चलता रहा है इंजीनियर्स की सर के, जब चेयरमैन भी इंजीनियर होता था, मेंबर पावर भी इंजीनियर होता था, मेंबर वाटर भी इंजीनियर होते थे। वापडा में कभी मुआशी बहरान नहीं आया था, वहां जनरेशन होती थी, उसके बाद ट्रांसमिशन होती थी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होती, सारी चीजें आपस में जुड़ी होती थी, लोड शेडिंग नहीं होती थी। ये सारे काम उस वक्त शुरू हुए हैं जब आपने नॉन इंजीनियर्स के हाथ में इसकी बागडोर दी, और इसको हालांकि आपने डिसेंट्रलाइज करके आपने ये डिस्कोस बना दिए, और ये डिस्को के ऊपर जो बोर्ड बना दिए उसके ऊपर कभी आप कुल्फियां बेचने वाला बना देते बैठा देते हैं बीओडी के अंदर, कभी आप उसके अंदर सिंगर्स को बीओडी के अंदर डाल देते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि इंजीनियरिंग के अदारे हैं अरबों रुपया जारी कर रहे हैं आपको इसमें। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये मामला कब से शुरू है, मुशर्रफ के दौर से, जरदारी के दौर से, नवाज शरीफ के दौर से, और अब जो दौर चला आ रहा है, इस हवाले से भी मुझे बताइएगा। हाँ मैडम, इसमें ये जो सारी की सारी बातें हो रही है ना जी, ये बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ मुशर्रफ साहब के दौर से नहीं शुरू हुआ, वहां पे इसको कंट्रोल किया गया, लेकिन अच्छा। जब जैसे पोलिटिकल गवर्नमेंट आती है तो इसमें इनके ये जो नॉन इंजीनियर एलिमेंट होते हैं, नॉन स्टेज एक्टर जो होते हैं जिनकी अथॉरिटी नहीं होती है, उनको कुछ ज्यादा उसके अंदर जो है ना जी, उनको एबिलिटी मिलती है और वो आगे आगे बढ़ते हैं। जिस तरह अभी आपने पीआई की निशानदेही कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपको आप अगर इसके डाटे पे अगर नजर डालेंगे तो इसके अंदर हजारों सीटें हैं जो कि इस वक्त इंजीनियर्स की हैं, उस जिसके ऊपर नॉन इंजीनियर्स को लगाया हुआ है। आप ये जो आपने अभी नाम लिए, ये नॉन इंजीनियर जो हैं ये इंजीनियर्स के ऊपर बैठे हुए हैं। अच्छा। मतलब ये आप ये देखें कि अलमिया कितनी सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स हैं सारे के सारे, और इंजीनियर्स को उसके अंदर उसकी पोजिशन नहीं है। अब आपने कहा कि आप उन सरबराहों के नाम लें, देखें जिस सेक्टरी इस वक्त 8 डिस्को चला रहा है, मुझे ये बताएं कि सेक्टरी का क्या काम है कि वो डिस्को को चलाए। ये बीओडी आपने बना दी है, लेकिन देखने वालों की आसानी के लिए और मेरी आसानी के लिए आप मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में ऐसे इस वक्त 5 कौन से सरकारी इदारे हैं जिनके ऊपर नॉन इंजीनियर नॉन टेक्निकल स्टाफ आप समझते हैं कि रखा हुआ है? नंबर 1 वापडा आपका सबसे बड़ा इदारा है। अच्छा, और वापडा का इस वक्त चेयरमैन वापडा भी नॉन इंजीनियर बैठे हुए हैं, ठीक हो गया।
आपने इस वक्त भाषा डैम का आगाज कर दिया है, ये PC1 जिसके ऊपर आपने आगाज किया ये 2 साल पुराना है। अगर कोई इंजीनियर यहाँ पे बैठा होता तो PC1 रिवाइज बनाता, और जिस तरह नीलम जेलम का हाल हुआ है कि वो जो कितने अरब से शुरू हुआ और उसकी क्लोजिंग देखें 8 गुना पे जाके क्लोजिंग हुई, 450-450 अरब पे क्लोज हुआ जाके, 85 बिलियन से शुरू हुआ, तो ये उसी तरफ ही जाएगा। ये इंजीनियर को लाना इसकी शॉर्टली, आप मुझे शॉर्टली 5 इदारे मुकम्मल बता दीजिए। इरीगेशन नंबर 1 वापडा, नंबर 2 इरीगेशन, नंबर 3 कम्युनिकेशन, और नंबर 4 हाउसिंग। ये सारे वो अदारे हैं मैडम जिसके अंदर यहाँ पे कॉम्पिटेंट इंजीनियर्स को एज ए सेक्रेटरी की पोस्ट पे बैठना चाहिए। इस वक्त 21वें 22वें ग्रेड में कोई इंजीनियर नहीं है। आपके मुल्क में 21वें 22वें ग्रेड में बैठे हुए लोग फैसला साजी करते हैं, 20वें ग्रेड में सिर्फ 7 बंदे बैठे हैं, बाकी 19वें ग्रेड में इंजीनियर रिटायर होकर घरों में चले जाते हैं। तो इस इशू को मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को भी इसमें थोड़ा सा पीछे रही है। इंशाल्लाह सारे मीडिया को बुला के इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर मैं एक प्रेजेंटेशन हमने तैयार की है, सबको आपको बुलाएंगे और इसको हाईलाइट करेंगे प्रॉपरली, ताकि सारे मीडिया इसको उठाएं इस इशू को, और इस मुल्क को अगर आपने खुशहाली की तरफ लेके जाना है, अगर इस डॉलर की फ्लक्चुएशन को आपने रोकना है, तो फिर आपको इंजीनियर पे इन्हसार करना होगा। और जिन मुल्कों में इंजीनियर पे इन्हसार किया उनमें चाइना है, उसमें सिंगापुर है, उसमें मलेशिया है, उसमें वियतनाम है, और उन मुल्कों की मईशत जो है इस वक्त 200-250 बिलियन डॉलर से उठ के 750 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट पे जा चुकी है। और ये जो एक्सपोर्ट बढ़ी है इसके अंदर मोर देन 50% जो है वो इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट हो रही हैं उन मुल्कों से। बिल्कुल बिल्कुल जावेद सलीम साहब, ये ऐसा मामला है कि इसको फिल फॉर हंगामी बुनियादों पर उठाना चाहिए, और जिस तरह से आप बात कर भी रहे हैं कि आप इस मामले को उठाएंगे, ना सिर्फ उठाएंगे बल्कि मीडिया को भी प्रेजेंटेशन में बुलाएंगे, और हुकूमत को चाहिए कि इस मामले के ऊपर जल्द से जल्द एक्शन ले। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। नाजा वक्त खत्म होता है, इसके ऊपर अपना फीडबैक दीजिएगा।